दुबई वाली गाड़ी है सब यार ठीक हो क्या नाम आपका? ना ना है आपका मेरा टेक नारायण टेक नारायण किधर से हैं ये मैं नेपाल से नेपाल से ये देखिए दोस्तों पूरा ये जो रूम है दुबई से आ रहा है और अभी यहाँ पे क्रेन खड़ा है इसके साथ जो है इनको उतार रहे हैं अभी ये दुबई वाली गाड़ी है सब और ये लोग लेके आते हैं शार्किया यहाँ पर जितने भी रूम आपको दोस्तों नज़र आ रहे हैं ये दुबई वाली गाड़ियाँ दुबई से लेके आती हैं और ये ऑफिस के काम के लिए इस्तेमाल होते हैं अभी यहाँ क्रेन के साथ गाड़ियों से इनको उतारा गया है इनका जो एसी का और इलेक्ट्रिक वायर का काम है वो यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है दूसरी जानेब ए के कवर और न्यू ए पड़े हुए हैं मैं वो भी आपको दिखाता हूँ वो इनके अंदर लगाए जाएंगे और इनको ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा डिफरेंट जगह पे कुछ यहाँ पे इस्तेमाल होंगे और कुछ बाकी जगहों पे लेके जाएंगे जहाँ पर भी काम है एक्सपर्टाइज़ कंपनी का बिस्मिल्लाह जनाब क्या हाल है ठीक हो ठीक हो सर दुबई तो आ कंपनी के अंदर काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं चाहे वो ड्राइवर है ऑपरेटर है या सीनियर अमला है उनकी रिहाइश के लिए इस तरह के रूम जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमी और अच्छी अच्छी वीडियो सऊदी अरब से देखने को मिलती रहे यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब न्यू एसी पड़े हुए हैं जो कि आपने पिछले क्लिप में देखे थे ऑफिस के लिए रूम तैयार किए जा रहे हैं ये उनके अंदर लगाए जाएंगे और फिर जहाँ भी एक्सपर्टाइज कंपनी को ऑफ़िस की ज़रूरत होगी तो वो कंटेनर जो अभी रेडी किए जा रहे हैं वो ऑफ़िस के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे और उनको वहाँ फिर शिफ्ट कर दिया जाएगा जिसमें ऑफ़िस का काम किया जाएगा बाकी जो अमले के रिहाइश के रूम हैं वो इस तरह के होते हैं मैं आपको एक व्यू अभी से भी इस वीडियो के अंदर करा देता हूँ ये किचन है कि अगर कंपनी के अंदर जो खाना है वो आपको पसंद नहीं तो आप किचन में अपनी मर्ज़ी का खाना बना सकते हैं लेकिन उसके लिए सामान आपको खुद लाना पड़ेगा और रिहाइश के लिए इस तरह के जो बड़े कंटेनर हैं ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं बन जो आपने पिछले क्लिप में देखे ऑफिस वाले कंटेनर उनकी नस्बत ये काफ़ी बड़े होते हैं ये कुछ पुराने एसी सी यहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि वक्ता फ़वक्ता चेंज किए जाते हैं किसी ख़राबी की वजह से या रिपेयर की करने के लिए इनको उतारा जाता है अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो रेडी करके रखे होते हैं वो वहाँ पे लगा दिया जाता है और जो फाल्टेड होता है उसको यहाँ पे रख के अगर रिपेयरिंग के काबिल होता है तो उसको रिपेयर किया जाता है जब न्यू रूम आते हैं तो इस तरह आते हैं ये सब रूम तकरीबन यूज़ हैं और यहाँ पर लाए गए हैं अभी इनको यहाँ पे रखा गया है ट्रेलर से उतार के यहाँ रख दिए गए हैं और इनको रेडी किया जाएगा इनके अंदर इलेक्ट्रिक का काम किया जाएगा यहाँ पर वी आई पी है और इसके साथ जो आगे गेट है वो है कैंप दूसरी तरफ है और कैंप के साथ अगर इस तरफ आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं ये कैंप फाइफ है एक्सपर्टाइज कंपनी का मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ जिन दोस्तों को नहीं पता और वो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये एक्सपर्टाइज कंपनी का कैंप फाइफ है और उसके साथ आगे यार्ड है इस तरफ और यार्ड के बिल्कुल सामने जो है वाटर प्लांट है मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है एक्सपर्टाइज कंपनी का कैंप फाइफ है और इसके अंदर यहाँ पर ये वाटर जो प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर पानी को साफ़ किया जाता है साफ़ करने के बाद बड़े बड़े के आगे इनके अंदर स्टोर किया जाता है उसके बाद आगे पानी का जितना भी इस्तेमाल है वो यहाँ से किया जाता है ये कैंप के अंदर मस्जिद वाली जगह है इसके बिल्कुल राइट साइड जो है वो मस्जिद है जहाँ पर लोग नमाज़ अदा करते हैं और इसके बिल्कुल सामने जो है अभी नया रूम का सेटअप बनाया जा रहा है आप देख सकते हैं काफ़ी मकदार में जो रूम हैं वो यहाँ पर रख दिए गए हैं जो कि अभी अनकम्प्लीट हैं कुछ ही दिनों के अंदर इनका जितना भी काम है वो कम्प्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर इनमें ए सी वग़ैरह लगा के इनको रिहायश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये जो आप सामने रूम देख रहे हैं ये पहले से रेडी हैं इनके अंदर लोग रह रहे हैं और ये रिहायश के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा झूला है अगर आपका दिल करे तो आप झूले भी ले सकते हैं और इसके बिल्कुल सामने जो है मस्जिद है जो कि काफ़ी बड़ी है मैं अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए न्यू है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए आइंदा भी आपको डिटेल से इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेगी यहाँ पे चलते हैं और, और मस्जिद के अंदर जाके मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ मस्जिद जो है वो अंदर से काफ़ी वसी है काफ़ी ज़्यादा जो है गुंजाइश है में नमाज़ पढ़ने के लिए लोगों की और क्योंकि ये कैंप है और कंटेनर से जो है दो चार कंटेनर को बड़े कंटेनर को जॉइंट करके ए, इस तरह मस्जिद बनाई गई है काफ़ी मेहनत से और काफ़ी ज़्यादा बड़ी मस्जिद जो है बनी हुई है माशाल्लाह और अंदर से आप देखें तो ऐसी है मेरे लेफ़्ट साइड में अब जितना भी एरिया देख रहे हैं ये वर्कर के लिए मेस हॉल है जो कि काफ़ी बड़ा है और एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा वर्कर यहाँ पे एक साथ खाना खा सकते हैं इसकी काफ़ी अच्छी खासी लंबाई और चौड़ाई है जहाँ पर खाना खाने के टाइम में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और वर्कर आराम से काफ़ी ज़्यादा वर्कर जो हैं एक साथ खाना खा सकते हैं कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होती परेशानी नहीं होती आदमी ज़्यादा होने की वजह से और ये अगेन जो है आप देख रहे हैं मैं साल से आगे आप थोड़ा जाएं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर पड़े हुए हैं ये बस पार्किंग का एरिया है यहाँ पर तमाम बसें खड़ी हैं जो कि सुबह और शाम जितने भी वर्कर ड्यूटी पर जाते हैं उनको इसी एरिया से उठा के ड्यूटी पर ले जाती हैं और वापस फिर इसी एरिया के अंदर गेट से अंदर आके उतारा जाता है वर्कर को जो कि साथ मौजूद जो वीडियो में आपने रूम देखे हैं उनके अंदर रिहाइश पजीर होते हैं सुबह शाम इसी एरिया से ड्यूटी पे जाते हैं और वापस यहाँ पर आते हैं इस तरफ कुछ कंटेनर वग़ैरह पड़े हुए हैं और ये पूरा एरिया भी जो है इसी कम्पनी का है लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल कुछ भी रूम वग़ैरह की तरतीब यहाँ पर नहीं है लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पर भी क्योंकि जिस तरीके से नए लोग डेली कंपनी के अंदर आ रहे हैं तो हो सकता है कि मुस्तवल के अंदर यहाँ पर भी एक बड़ा कैंप देखने को मिलेगा उम्मीद है कि आज की वीडियो दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी अगर आप न्यू हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने ताकि आंदा भी आपको अच्छी और मालूमती वीडियो मिलती रहे ये रूम जो हैं पुराने हैं कहीं से लाए गए हैं अभी इनको सेटअप किया जाएगा पूरा उसके बाद इस्तेमाल के काबल होंगे और इनके अंदर बिजली का काम वायर का काम और एसी का काम अभी बकाया है बस जो पीछे आपने देखा क्लिप के अंदर दुबई की गाड़ियाँ ले कर आई कंटेनर वो इसी तरह के कंटेनर थे और रूम बने हुए थे वो यहाँ पर अभी उतार के रख दिए गए हैं और उनके अंदर जो काम है अभी यहाँ पर एसी के कवर वग़ैरह जो है पड़े हुए हैं आप देखिए मेरे लेफ़्ट साइड के अंदर जो रूम है उनके अंदर एसी लगा दिए गए हैं यहाँ पर देखिए ये नीचे जो ए है और फिर इससे आगे कई रूम के अंदर न्यू ए का काम कम्प्लीट हो गया है दो में याद रखिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ़